आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदिल दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी है। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। क्या हालात है मेरे, मेरा शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ। काजी निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाहनामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही थी। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती है, लेकिन खटपट इतनी बड़ी कि शादी नहीं कबूली, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है। राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। मोहब्बत में इमोशनल अत्याचार, स्वयंवर हुआ, शादी नहीं हुई, फिर ऐसी शादी जिसका पता नहीं चला। आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो। और अब निकाह कबूल नहीं। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत के पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई हेडलाइन या यूं कहें कि नई कंट्रोवर्सी बन जाती है। और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आपको तीन चेहरे नजर आएंगे। पहली है राखी सावंत, दूसरे है बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी और तीसरे है वो शख्स जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो निकाह कराने वाले काजी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। इन दावों के साथ ही साथ एक कथित निकाहनामा भी सामने आया। इस निकाहनामे पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस निकाहनामे में दूल्हे के नाम के आगे लिखा है आदिल खान और दुल्हन के नाम के आगे लिखा है राखी सावंत। गवाहों के नाम के आगे लिखा गया है कुसुम और आरिफ शेख। मेहर की रकम 51,986 लिखी गई और काजी का नाम बताया गया है काजी मोहम्मद नूर उल हुदा खान। कथित निकाहनामे में मुंबई के बायकला का नाम लिखा है, यानी निकाह बायकला में कराया गया है और तारीख लिखी है 29 मई 2022। वक्त है दोपहर के 1:30 का। गौर से देखेंगे तो इस कथित निकाहनामे पर आपको राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की फोटो भी नजर आएगी। निकाहनामे के इस फोटो के साथ राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के निकाह यानी शादी का दावा किया गया। राखी सावंत की धर्म और नाम बदलकर शादी की खबर आई तो सब चौंक गए। निकाहनामे में कहा गया कि 29 मई 2022 को ही निकाह हो गया था, तो सवाल था कि आखिरकार अब तक ये खबर और तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज़ नेशन ने आदिल दुर्रानी से संपर्क किया
तो दुर्रानी ने निकाह की बात को इनकार कर दिया। दूसरी तरफ राखी सावंत ने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ अस्पताल में है और वो जल्द मीडिया के सामने आएंगी। यानी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया और फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर फातिमा यानी राखी के इस कथित निकाह का सच क्या है। राखी के निकाह के दावे वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ और बातें असामान्य नजर आएंगी। आमतौर पर इस्लामिक निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था। निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कथित काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं, तो सामान्य नजर नहीं आता। एक खबर ये भी है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ये धर्म परिवर्तन और निकाह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। ऐसा ही था वो इमोशनल अत्याचार जिससे राखी दो चार हो रही थी। पहले निकाह का एक्शन पैक ड्रामा, फिर निकाह नामे की तस्वीर, काजी थराजी, दूल्हा नहीं माना जी, कोई कंट्रोवर्सी क्वीन कहता है तो कोई ड्रामा क्वीन। लेकिन राखी की आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे बड़ा इमोशनल अत्याचार है। रोने धोने और गंभीर होने के बाद आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदिल दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी है। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। क्या हालात है मेरे, मेरा शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ। काजी निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाहनामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही थी। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती है, लेकिन खटपट इतनी बड़ी कि शादी ही नहीं कबूली। ये तो कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है। राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। मोहब्बत में इमोशनल अत्याचार, स्वयंवर हुआ, शादी नहीं हुई। फिर ऐसी शादी जिसका पता नहीं चला। आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो। और अब निकाह कबूल नहीं। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत के पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई हेडलाइन या यूं कहें कि नई कंट्रोवर्सी बन जाती है। और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आपको तीन चेहरे नजर आएंगे,
पहली है राखी सावंत, दूसरे है बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी और तीसरे है वो शख्स जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो निकाह कराने वाले काजी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। इन दावों के साथ ही साथ एक कथित निकाहनामा भी सामने आया। इस निकाहनामे पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस निकाहनामे में दूल्हे के नाम के आगे लिखा है आदिल खान और दुल्हन के नाम के आगे लिखा है राखी सावंत। गवाहों के नाम के आगे लिखा गया है कुसुम और आरिफ शेख। मेहर की रकम 51,986 लिखी गई और काजी का नाम बताया गया है काजी मोहम्मद नूर उल हुदा खान। कथित निकाहनामे में मुंबई के बायकला का नाम लिखा है, यानी निकाह बायकला में कराया गया है और तारीख लिखी है 29 मई 2022। वक्त है दोपहर के 1:30 का। गौर से देखेंगे तो इस कथित निकाहनामे पर आपको राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की फोटो भी नजर आएगी। निकाहनामे के इस फोटो के साथ राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के निकाह यानी शादी का दावा किया गया। राखी सावंत की धर्म और नाम बदलकर शादी की खबर आई तो सब चौंक गए। निकाहनामे में कहा गया कि 29 मई 2022 को ही निकाह हो गया था, तो सवाल था कि आखिरकार अब तक ये खबर और तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन ने आदिल दुर्रानी से संपर्क किया तो दुर्रानी ने निकाह की बात को इनकार कर दिया। दूसरी तरफ राखी सावंत ने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ अस्पताल में है और वो जल्द मीडिया के सामने आएंगी, यानी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। और फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर फातिमा यानी राखी के इस कथित निकाह का सच क्या है। राखी के निकाह के दावे वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ और बातें असामान्य नजर आएंगी। आमतौर पर इस्लामिक निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था। निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कथित काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं तो सामान्य नजर नहीं आता। एक खबर ये भी है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ये धर्म परिवर्तन और निकाह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। ऐसा ही था वो इमोशनल अत्याचार जिससे राखी दो चार हो रही थी। पहले निकाह का एक्शन पैक ड्रामा, फिर निकाह नामे की तस्वीर, काजी था राजी, दूल्हा नहीं माना जी, कोई कंट्रोवर्सी क्वीन कहता है तो कोई ड्रामा क्वीन। लेकिन राखी की आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे बड़ा इमोशनल अत्याचार है। रोने धोने और गंभीर होने के बाद आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदिल दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी है। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। यह हालात है मेरे, मेरा शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ। काजी निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा।
इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाह नामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही थी। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती है, लेकिन खटपट इतनी बड़ी कि शादी नहीं कबूली। ये तो कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है। राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। मोहब्बत में इमोशनल अत्याचार, स्वयंवर हुआ, शादी नहीं हुई। फिर ऐसी शादी जिसका पता नहीं चला। आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो। और अब निकाह कबूल नहीं। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत के पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई हेडलाइन या यूं कहें कि नई कंट्रोवर्सी बन जाती है। और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आपको तीन चेहरे नजर आएंगे। पहली है राखी सावंत, दूसरे है बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी और तीसरे है वो शख्स जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो निकाह कराने वाले काजी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। इन दावों के साथ ही साथ एक कथित निकाहनामा भी सामने आया। इस निकाहनामे पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस निकाहनामे में दूल्हे के नाम के आगे लिखा है आदिल खान और दुल्हन के नाम के आगे लिखा है राखी सावंत। गवाहों के नाम के आगे लिखा गया है कुसुम और आरिफ शेख। मेहर की रकम 51,986 लिखी गई और काजी का नाम बताया गया है काजी मोहम्मद नूर उल हुदा खान। कथित निकाहनामे में मुंबई के बायकला का नाम लिखा है, यानी निकाह बायकला में कराया गया है और तारीख लिखी है 29 मई 2022। वक्त है दोपहर के 1:30 का। गौर से देखेंगे तो इस कथित निकाहनामे पर आपको राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की फोटो भी नजर आएगी। निकाहनामे के इस फोटो के साथ राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के निकाह यानी शादी का दावा किया गया। राखी सावंत की धर्म और नाम बदलकर शादी की खबर आई तो सब चौंक गए। निकाहनामे में कहा गया कि 29 मई 2022 को ही निकाह हो गया था, तो सवाल था कि आखिरकार अब तक ये खबर और तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन ने आदिल दुर्रानी से संपर्क किया तो दुर्रानी ने निकाह की बात को इनकार कर दिया। दूसरी तरफ राखी सावंत ने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ अस्पताल में है और वो जल्द मीडिया के सामने आएंगी, यानी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। और फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर फातिमा यानी राखी के इस कथित निकाह का सच क्या है। राखी के निकाह के दावे वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ और बातें असामान्य नजर आएंगी। आमतौर पर इस्लामिक निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था। निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कथित काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं तो सामान्य नजर नहीं आता। एक खबर ये भी है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ये धर्म परिवर्तन और निकाह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। ऐसा ही था वो इमोशनल अत्याचार जिससे राखी दो चार हो रही थी। पहले निकाह का एक्शन पैक ड्रामा, फिर निकाह नामे की तस्वीर,
काजी था राजी, दूल्हा नहीं माना जी। कोई कंट्रोवर्सी क्वीन कहता है तो कोई ड्रामा क्वीन, लेकिन राखी की आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे बड़ा इमोशनल अत्याचार है। रोने धोने और गंभीर होने के बाद आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदिल दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी है। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। ये हालात है मेरे, मेरा शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ। काजी निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाहनामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही थी। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती है, लेकिन खटपट इतनी बड़ी कि शादी नहीं कबूली, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है। राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। मोहब्बत में इमोशनल अत्याचार, स्वयंवर हुआ, शादी नहीं हुई, फिर ऐसी शादी जिसका पता नहीं चला। आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो, और अब निकाह कबूल नहीं। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत के पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई हेडलाइन या यूं कहें कि नई कंट्रोवर्सी बन जाती है, और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आपको तीन चेहरे नजर आएंगे। पहली है राखी सावंत, दूसरे है बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी, और तीसरे है वो शख्स जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो निकाह कराने वाले काजी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। इन दावों के साथ ही साथ एक कथित निकाहनामा भी सामने आया। इस निकाहनामे पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस निकाहनामे में दूल्हे के नाम के आगे लिखा है आदिल खान और दुल्हन के नाम के आगे लिखा है राखी सावंत। गवाहों के नाम के आगे लिखा गया है कुसुम और आरिफ शेख। मेहर की रकम 51,986 लिखी गई और काजी का नाम बताया गया है काजी मोहम्मद नूर उल हुदा खान। कथित निकाहनामे में मुंबई के बायकला का नाम लिखा है, यानी निकाह बायकला में कराया गया है, और तारीख लिखी है 29 मई 2022। वक्त है दोपहर के 1:30 का। गौर से देखेंगे तो इस कथित निकाहनामे पर आपको राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की फोटो भी नजर आएगी।
निकाह नामे के इस फोटो के साथ राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के निकाह यानी शादी का दावा किया गया। राखी सावंत की धर्म और नाम बदलकर शादी की खबर आई तो सब चौंक गए। निकाह नामे में कहा गया कि 29 मई 2022 को ही निकाह हो गया था, तो सवाल था कि आखिरकार अब तक ये खबर और तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन ने आदिल दुर्रानी से संपर्क किया तो दुर्रानी ने निकाह की बात को इनकार कर दिया। दूसरी तरफ राखी सावंत ने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ अस्पताल में है और वो जल्द मीडिया के सामने आएंगी, यानी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। और फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर फातिमा यानी राखी के इस कथित निकाह का सच क्या है। राखी के निकाह के दावे वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ और बातें असामान्य नजर आएंगी। आमतौर पर इस्लामिक निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था। निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कथित काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं तो सामान्य नजर नहीं आता। एक खबर ये भी है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ये धर्म परिवर्तन और निकाह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। ऐसा ही था वो इमोशनल अत्याचार जिससे राखी दो चार हो रही थी। पहले निकाह का एक्शन पैक ड्रामा, फिर निकाह नामे की तस्वीर, काजी थराजी, दूल्हा नहीं माना जी, कोई कंट्रोवर्सी क्वीन कहता है तो कोई ड्रामा क्वीन। लेकिन राखी की आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे बड़ा इमोशनल अत्याचार है। रोने धोने और गंभीर होने के बाद आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदिल दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी है। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। ये हालात है मेरे, मेरा शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ। काजी निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाहनामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही थी। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती है, लेकिन खटपट इतनी बढ़ी कि शादी नहीं कबूली। ये तो कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है। राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। मोहब्बत में इमोशनल अत्याचार, स्वयंवर हुआ, शादी नहीं हुई। फिर ऐसी शादी जिसका पता नहीं चला। आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो।
और अब निकाह कबूल नहीं। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत के पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई हेडलाइन या यूं कहें कि नई कंट्रोवर्सी बन जाती है, और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आपको 3 चेहरे नजर आएंगे। पहली है राखी सावंत, दूसरे है बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी, और तीसरे है वो शख्स जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो निकाह कराने वाले काजी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। इन दावों के साथ ही साथ एक कथित निकाहनामा भी सामने आया। इस निकाहनामे पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस निकाहनामे में दूल्हे के नाम के आगे लिखा है आदिल खान और दुल्हन के नाम के आगे लिखा है राखी सावंत। गवाहों के नाम के आगे लिखा गया है कुसुम और आरिफ शेख। मेहर की रकम 51,986 लिखी गई और काजी का नाम बताया गया है काजी मोहम्मद नूर उल हुदा खान। कथित निकाहनामे में मुंबई के बायकला का नाम लिखा है, यानी निकाह बायकला में कराया गया है, और तारीख लिखी है 29 मई 2022। वक्त है दोपहर के 1:30 का। गौर से देखेंगे तो इस कथित निकाहनामे पर आपको राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की फोटो भी नजर आएगी। निकाहनामे के इस फोटो के साथ राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के निकाह यानी शादी का दावा किया गया। राखी सावंत की धर्म और नाम बदलकर शादी की खबर आई तो सब चौंक गए। निकाहनामे में कहा गया कि 29 मई 2022 को ही निकाह हो गया था, तो सवाल था कि आखिरकार अब तक ये खबर और तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन ने आदिल दुर्रानी से संपर्क किया तो दुर्रानी ने निकाह की बात को इनकार कर दिया। दूसरी तरफ राखी सावंत ने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ अस्पताल में है और वो जल्द मीडिया के सामने आएंगी, यानी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। और फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर फातिमा यानी राखी के इस कथित निकाह का सच क्या है। राखी के निकाह के दावे वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ और बातें असामान्य नजर आएंगी। आमतौर पर इस्लामिक निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था। निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कथित काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं तो सामान्य नजर नहीं आता। एक खबर ये भी है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ये धर्म परिवर्तन और निकाह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। ऐसा ही था वो इमोशनल अत्याचार जिससे राखी दो चार हो रही थी। पहले निकाह का एक्शन पैक ड्रामा, फिर निकाह नामे की तस्वीर, काजी था राजी, दूल्हा नहीं माना जी, कोई कंट्रोवर्सी क्वीन कहता है तो कोई ड्रामा क्वीन। लेकिन राखी की आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे बड़ा इमोशनल अत्याचार है। रोने धोने और गंभीर होने के बाद आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदिल दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी है। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। क्या हालात है मेरे, मेरा शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ।
काजी निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाहनामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही थी। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती है, लेकिन खटपट इतनी बड़ी कि शादी नहीं कबूली। ये तो कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है। राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। मोहब्बत में इमोशनल अत्याचार, स्वयंवर हुआ, शादी नहीं हुई। फिर ऐसी शादी जिसका पता नहीं चला। आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो। और अब निकाह कबूल नहीं। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत के पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई हेडलाइन या यूं कहें कि नई कंट्रोवर्सी बन जाती है। और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आपको तीन चेहरे नजर आएंगे। पहली है राखी सावंत, दूसरे है बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी और तीसरे है वो शख्स जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो निकाह कराने वाले काजी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। इन दावों के साथ ही साथ एक कथित निकाहनामा भी सामने आया। इस निकाहनामे पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस निकाहनामे में दूल्हे के नाम के आगे लिखा है आदिल खान और दुल्हन के नाम के आगे लिखा है राखी सावंत। गवाहों के नाम के आगे लिखा गया है कुसुम और आरिफ शेख। मेहर की रकम 51,986 लिखी गई और काजी का नाम बताया गया है काजी मोहम्मद नूर उल हुदा खान। कथित निकाहनामे में मुंबई के बायकला का नाम लिखा है, यानी निकाह बायकला में कराया गया है और तारीख लिखी है 29 मई 2022। वक्त है दोपहर के 1:30 का। गौर से देखेंगे तो इस कथित निकाहनामे पर आपको राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की फोटो भी नजर आएगी। निकाहनामे के इस फोटो के साथ राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के निकाह यानी शादी का दावा किया गया। राखी सावंत की धर्म और नाम बदलकर शादी की खबर आई तो सब चौंक गए। निकाहनामे में कहा गया कि 29 मई 2022 को ही निकाह हो गया था, तो सवाल था कि आखिरकार अब तक ये खबर और तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन ने आदिल दुर्रानी से संपर्क किया तो दुर्रानी ने निकाह की बात को इनकार कर दिया। दूसरी तरफ राखी सावंत ने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ अस्पताल में है और वो जल्द मीडिया के सामने आएंगी, यानी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। और फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर फातिमा यानी राखी के इस कथित निकाह का सच क्या है। राखी के निकाह के दावे वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ और बातें असामान्य नजर आएंगी। आमतौर पर इस्लामिक निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था। निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कथित काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं तो सामान्य नजर नहीं आता। एक खबर ये भी है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ये धर्म परिवर्तन और निकाह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शर्मा के साथ टीम
न्यूज नेशन। ऐसा ही था वो इमोशनल अत्याचार जिससे राखी दो चार हो गई। पहले निकाह का एक्शन पैक ड्रामा, फिर निकाह नामे की तस्वीर, काजी थराजी, दूल्हा नहीं माना जी, कोई कंट्रोवर्सी क्वीन कहता है तो कोई ड्रामा क्वीन। लेकिन राखी की आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे बड़ा इमोशनल अत्याचार है। रोने धोने और गमगीन होने के बाद आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदिल दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी है। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। क्या हालात है मेरे, मेरा शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ। काजी निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था। लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाहनामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती, लेकिन खटपट इतनी बड़ी कि शादी नहीं कबूली, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है। राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। मोहब्बत में इमोशनल अत्याचार, स्वयंवर हुआ, शादी नहीं हुई। फिर ऐसी शादी जिसका पता नहीं चला। आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो। और अब निकाह कबूल नहीं। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत के पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई हेडलाइन या यूं कहे कि नई कंट्रोवर्सी बन जाती है। और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आपको तीन चेहरे नजर आएंगे। पहली है राखी सावंत, दूसरे है बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी और तीसरे है वो शख्स जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो निकाह कराने वाले काजी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। इन दावों के साथ ही साथ एक कथित निकाहनामा भी सामने आया। इस निकाहनामे पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस निकाहनामे में दूल्हे के नाम के आगे लिखा है आदिल खान और दुल्हन के नाम के आगे लिखा है राखी सावंत। गवाहों के नाम के आगे लिखा गया है कुसुम और आरिफ शेख। मेहर की रकम 51,986 लिखी गई
और काजी का नाम बताया गया है काजी मोहम्मद नूर उल हुदा खान। कथित निकाह नामे में मुंबई के बायकला का नाम लिखा है, यानी निकाह बायकला में कराया गया है और तारीख लिखी है 29 मई 2022। वक्त है दोपहर के 1:30 का। गौर से देखेंगे तो इस कथित निकाह नामे पर आपको राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की फोटो भी नजर आएगी। निकाह नामे के इस फोटो के साथ राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के निकाह यानी शादी का दावा किया गया। राखी सावंत की धर्म और नाम बदलकर शादी की खबर आई तो सब चौंक गए। निकाह नामे में कहा गया कि 29 मई 2022 को ही निकाह हो गया था, तो सवाल था कि आखिरकार अब तक ये खबर और तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन ने आदिल दुर्रानी से संपर्क किया तो दुर्रानी ने निकाह की बात को इनकार कर दिया। दूसरी तरफ राखी सावंत ने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ अस्पताल में है और वो जल्द मीडिया के सामने आएंगी। यानी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया और फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर फातिमा यानी राखी के इस कथित निकाह का सच क्या है। राखी के निकाह के दावे वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ और बातें असामान्य नजर आएंगी। आमतौर पर इस्लामिक निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था। निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कथित काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं, तो सामान्य नजर नहीं आता। एक खबर ये भी है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ये धन परिवर्तन और निकाह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। ऐसा ही था वो इमोशनल अत्याचार जिससे राखी दो चार हो रही थी। पहले निकाह का एक्शन पैक ड्रामा, फिर निकाह नामे की तस्वीर, काजी थराजी, दूल्हा नहीं माना जी, कोई कंट्रोवर्सी क्वीन कहता है तो कोई ड्रामा क्वीन। लेकिन राखी की आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे बड़ा इमोशनल अत्याचार है। रोने धोने और गमगीन होने के बाद आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदिल दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी है। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। क्या हालात है मेरे, मेरा शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ। काजी निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाह नामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती, लेकिन खटपट इतनी बड़ी कि शादी नहीं कबूली, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है। राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन।
मोहब्बत में इमोशनल अत्याचार। स्वयंवर हुआ, शादी नहीं हुई। फिर ऐसी शादी जिसका पता नहीं चला। आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ। लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो। और अब निकाह कबूल नहीं। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत के पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई हेडलाइन या यूं कहे कि नई कंट्रोवर्सी बन जाती है। और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आपको तीन चेहरे नजर आएंगे। पहली है राखी सावंत, दूसरे है बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी और तीसरे है वो शख्स जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो निकाह कराने वाले काजी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। इन दावों के साथ ही साथ एक कथित निकाहनामा भी सामने आया। इस निकाहनामे पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस निकाहनामे में दूल्हे के नाम के आगे लिखा है आदिल खान और दुल्हन के नाम के आगे लिखा है राखी सावंत। गवाहों के नाम के आगे लिखा गया है कुसुम और आरिफ शेख। मेहर की रकम 51,986 लिखी गई और काजी का नाम बताया गया है काजी मोहम्मद नूर उल हुदा खान। कथित निकाहनामे में मुंबई के बायकला का नाम लिखा है, यानी निकाह बायकला में कराया गया है और तारीख लिखी है 29 मई 2022। वक्त है दोपहर के 1:30 का। गौर से देखेंगे तो इस कथित निकाहनामे पर आपको राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की फोटो भी नजर आएगी। निकाहनामे के इस फोटो के साथ राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के निकाह यानी शादी का दावा किया गया। राखी सावंत की धर्म और नाम बदलकर शादी की खबर आई तो सब चौंक गए। निकाहनामे में कहा गया कि 29 मई 2022 को ही निकाह हो गया था, तो सवाल था कि आखिरकार अब तक ये खबर और तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन ने आदिल दुर्रानी से संपर्क किया तो दुर्रानी ने निकाह की बात को इनकार कर दिया। दूसरी तरफ राखी सावंत ने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ अस्पताल में है और वो जल्द मीडिया के सामने आएंगी। यानी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया और फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर फातिमा यानी राखी के इस कथित निकाह का सच क्या है। राखी के निकाह के दावे वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ और बातें असामान्य नजर आएंगी। आमतौर पर इस्लामिक निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था। निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कथित काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं तो सामान्य नजर नहीं आता। एक खबर ये भी है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ये धन परिवर्तन और निकाह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। ऐसा ही था वो इमोशनल अत्याचार जिससे राखी दो चार हो गई थी। पहले निकाह का एक्शन पैक ड्रामा, फिर निकाह नामे की तस्वीर, काजी थराजी, दूल्हा नहीं माना जी, कोई कंट्रोवर्सी क्वीन कहता है तो कोई ड्रामा क्वीन। लेकिन राखी की आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे बड़ा इमोशनल अत्याचार है। रोने धोने और गमगीन होने के बाद आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदिल दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी है। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। ये हालात है मेरे, मैं
शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ। काजी निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाहनामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती, लेकिन खटपट इतनी बड़ी कि शादी नहीं कबूली, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है। राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। मोहब्बत में इमोशनल अत्याचार, स्वयंवर हुआ, शादी नहीं हुई। फिर ऐसी शादी जिसका पता नहीं चला। आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो। और अब निकाह कबूल नहीं। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत के पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई हेडलाइन या यूं कहे कि नई कंट्रोवर्सी बन जाती है, और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आपको तीन चेहरे नजर आएंगे। पहली है राखी सावंत, दूसरे है बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी, और तीसरे है वो शख्स जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो निकाह कराने वाले काजी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। इन दावों के साथ ही साथ एक कथित निकाहनामा भी सामने आया। इस निकाहनामे पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस निकाहनामे में दूल्हे के नाम के आगे लिखा है आदिल खान और दुल्हन के नाम के आगे लिखा है राखी सावंत। गवाहों के नाम के आगे लिखा गया है कुसुम और आरिफ शेख। मेहर की रकम 51,986 लिखी गई और काजी का नाम बताया गया है काजी मोहम्मद नूर उल हुदा खान। कथित निकाहनामे में मुंबई के बायकला का नाम लिखा है, यानी निकाह बायकला में कराया गया है, और तारीख लिखी है 29 मई 2022। वक्त है दोपहर के 1:30 का। गौर से देखेंगे तो इस कथित निकाहनामे पर आपको राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की फोटो भी नजर आएगी। निकाहनामे के इस फोटो के साथ राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के निकाह यानी शादी का दावा किया गया। राखी सावंत की धर्म और नाम बदलकर शादी की खबर आई तो सब चौंक गए। निकाहनामे में कहा गया कि 29 मई 2022 को ही निकाह हो गया था, तो सवाल था कि आखिरकार अब तक ये खबर और तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन ने आदिल दुर्रानी से संपर्क किया तो दुर्रानी ने निकाह की बात को इनकार कर दिया। दूसरी तरफ राखी सावंत ने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ अस्पताल में है और वो जल्द मीडिया के सामने आएंगी। यानी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया और फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर फातिमा यानी राखी के इस कथित निकाह का सच क्या है। राखी के निकाह के दावे वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ और बातें असामान्य नजर आएंगी। आमतौर पर इस्लामिक निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था।
निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कथित काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं, तो सामान्य नजर नहीं आता। एक खबर ये भी है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ये धन परिवर्तन और निकाह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। ऐसा ही था वो इमोशनल अत्याचार जिससे राखी दो चार हो रही थी। पहले निकाह का एक्शन पैक ड्रामा, फिर निकाह नामे की तस्वीर, काजी था राजी, दूल्हा नहीं माना जी, कोई कंट्रोवर्सी क्वीन कहता है तो कोई ड्रामा क्वीन। लेकिन राखी की आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे बड़ा इमोशनल अत्याचार है। रोने धोने और गमगीन होने के बाद आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदिल दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी है। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। क्या हालात है मेरे, शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ। काजी निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाहनामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती, लेकिन खटपट इतनी बड़ी कि शादी नहीं कबूली, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है। राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। मोहब्बत में इमोशनल अत्याचार, स्वयंवर हुआ, शादी नहीं हुई। फिर ऐसी शादी जिसका पता नहीं चला। आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो। और अब निकाह कबूल नहीं। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई हेडलाइन या यू कहे कि नई कंट्रोवर्सी बन जाती है, और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आपको तीन चेहरे नजर आएंगे। पहली है राखी सावंत, दूसरे है बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी, और तीसरे है वो शख्स जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो निकाह कराने वाले काजी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया।
इन दावों के साथ ही साथ एक कथित निकाहनामा भी सामने आया। इस निकाहनामे पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस निकाहनामे में दूल्हे के नाम के आगे लिखा है आदिल खान और दुल्हन के नाम के आगे लिखा है राखी सावंत। गवाहों के नाम के आगे लिखा गया है कुसुम और आरिफ शेख। मेहर की रकम 51,986 लिखी गई और काजी का नाम बताया गया है काजी मोहम्मद नूर उल हुदा खान। कथित निकाहनामे में मुंबई के बायकला का नाम लिखा है, यानी निकाह बायकला में कराया गया है और तारीख लिखी है 29 मई 2022। वक्त है दोपहर के 1:30 का। गौर से देखेंगे तो इस कथित निकाहनामे पर आपको राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की फोटो भी नजर आएगी। निकाहनामे के इस फोटो के साथ राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के निकाह यानी शादी का दावा किया गया। राखी सावंत की धर्म और नाम बदलकर शादी की खबर आई तो सब चौंक गए। निकाहनामे में कहा गया कि 29 मई 2022 को ही निकाह हो गया था, तो सवाल था कि आखिरकार अब तक ये खबर और तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन ने आदिल दुर्रानी से संपर्क किया तो दुर्रानी ने निकाह की बात को इनकार कर दिया। दूसरी तरफ राखी सावंत ने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ अस्पताल में है और वो जल्द मीडिया के सामने आएंगी। यानी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया और फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर फातिमा यानी राखी के इस कथित निकाह का सच क्या है। राखी के निकाह के दावे वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ और बातें असामान्य नजर आएंगी। आमतौर पर इस्लामिक निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था। निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कथित काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं, तो सामान्य नजर नहीं आता। एक खबर ये भी है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ये धन परिवर्तन और निकाह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। ऐसा ही था वो इमोशनल अत्याचार जिससे राखी दो चार हो रही थी। पहले निकाह का एक्शन पैक ड्रामा, फिर निकाह नामे की तस्वीर, काजी थराजी, दूल्हा नहीं माना जी, कोई कंट्रोवर्सी क्वीन कहता है तो कोई ड्रामा क्वीन। लेकिन राखी की आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे बड़ा इमोशनल अत्याचार है। रोने धोने और गमगीन होने के बाद आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदिल दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी है। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। क्या हालात है मेरे, शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ। काजी निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाहनामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती, लेकिन खटपट इतनी बड़ी कि शादी नहीं कबूली, ये तो कुछ ज्यादा हो गया।
लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है। राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। मोहब्बत में इमोशनल अत्याचार, स्वयंवर हुआ, शादी नहीं हुई। फिर ऐसी शादी जिसका पता नहीं चला। आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो। और अब निकाह कबूल नहीं। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई हेडलाइन या यू कहे कि नई कंट्रोवर्सी बन जाती है। और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आपको तीन चेहरे नजर आएंगे। पहली है राखी सावंत, दूसरे है बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी और तीसरे है वो शख्स जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो निकाह कराने वाले काजी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। इन दावों के साथ ही साथ एक कथित निकाहनामा भी सामने आया। इस निकाहनामे पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस निकाहनामे में दूल्हे के नाम के आगे लिखा है आदिल खान और दुल्हन के नाम के आगे लिखा है राखी सावंत। गवाहों के नाम के आगे लिखा गया है कुसुम और आरिफ शेख। मेहर की रकम 51,986 लिखी गई और काजी का नाम बताया गया है काजी मोहम्मद नूर उल हुदा खान। कथित निकाहनामे में मुंबई के बायकला का नाम लिखा है, यानी निकाह बायकला में कराया गया है और तारीख लिखी है 29 मई 2022। वक्त है दोपहर के 1:30 का। गौर से देखेंगे तो इस कथित निकाहनामे पर आपको राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की फोटो भी नजर आएगी। निकाहनामे के इस फोटो के साथ राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के निकाह यानी शादी का दावा किया गया। राखी सावंत की धर्म और नाम बदलकर शादी की खबर आई तो सब चौंक गए। निकाहनामे में कहा गया कि 29 मई 2022 को ही निकाह हो गया था, तो सवाल था कि आखिरकार अब तक ये खबर और तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन ने आदिल दुर्रानी से संपर्क किया तो दुर्रानी ने निकाह की बात को इनकार कर दिया। दूसरी तरफ राखी सावंत ने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ अस्पताल में है और वो जल्द मीडिया के सामने आएंगी। यानी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया और फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर फातिमा यानी राखी के इस कथित निकाह का सच क्या है। राखी के निकाह के दावे वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ और बातें असामान्य नजर आएंगी। आमतौर पर इस्लामिक निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था। निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कथित काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं तो सामान्य नजर नहीं आता। एक खबर ये भी है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ये धर्म परिवर्तन और निकाह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। ऐसा ही था वो इमोशनल अत्याचार जिससे राखी दो चार हो रही थी। पहले निकाह का एक्शन पैक ड्रामा, फिर निकाह नामे की तस्वीर, काजी थराजी, दूल्हा नहीं माना जी, कोई कंट्रोवर्सी क्वीन कहता है तो कोई ड्रामा क्वीन। लेकिन राखी की आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे बड़ा इमोशनल अत्याचार है। रोने धोने और गमगीन होने के बाद आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल।
इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदिल दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी है। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। क्या हालात है मेरे, मेरा शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ। काजी, निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा, आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाहनामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती, लेकिन खटपट इतनी बड़ी कि शादी नहीं कबूली, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है। राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। मोहब्बत में इमोशनल अत्याचार, स्वयंवर हुआ, शादी नहीं हुई, फिर ऐसी शादी जिसका पता नहीं चला। आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो, और अब निकाह कबूल नहीं। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई हेडलाइन या यू कहे कि नई कंट्रोवर्सी बन जाती है, और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आपको तीन चेहरे नजर आएंगे। पहली है राखी सावंत, दूसरे है बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी, और तीसरे है वो शख्स जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो निकाह कराने वाले काजी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। इन दावों के साथ ही साथ एक कथित निकाहनामा भी सामने आया। इस निकाहनामे पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस निकाहनामे में दूल्हे के नाम के आगे लिखा है आदिल खान और दुल्हन के नाम के आगे लिखा है राखी सावंत। गवाहों के नाम के आगे लिखा गया है कुसुम और आरिफ शेख। मेहर की रकम 51,986 लिखी गई और काजी का नाम बताया गया है काजी मोहम्मद नूर उल हुदा खान। कथित निकाहनामे में मुंबई के बायकला का नाम लिखा है, यानी निकाह बायकला में कराया गया है, और तारीख लिखी है 29 मई 2022। वक्त है दोपहर के 1:30 का। गौर से देखेंगे तो इस कथित निकाहनामे पर आपको राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की फोटो भी नजर आएगी। निकाहनामे के इस फोटो के साथ राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के निकाह यानी शादी का दावा किया गया। राखी सावंत की धर्म और नाम बदलकर शादी की खबर आई तो सब चौंक गए। निकाहनामे में कहा गया कि 29 मई 2022 को ही निकाह हो गया था, तो सवाल था कि आखिरकार अब तक ये खबर और तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन ने आदिल दुर्रानी से संपर्क किया तो दुर्रानी ने निकाह की बात को इनकार कर दिया।
दूसरी तरफ राखी सावंत ने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ अस्पताल में है और वो जल्द मीडिया के सामने आएंगी। यानी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया और फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर फातिमा यानी राखी के इस कथित निकाह का सच क्या है। राखी के निकाह के दावे वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ और बातें असामान्य नजर आएंगी। आमतौर पर इस्लामिक निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था। निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कथित काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं, तो सामान्य नजर नहीं आता। एक खबर ये भी है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ये धन परिवर्तन और निकाह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। ऐसा ही था वो इमोशनल अत्याचार जिससे राखी दो चार हो रही थी। पहले निकाह का एक्शन पैक ड्रामा, फिर निकाह नामे की तस्वीर, काजी थराजी, दूल्हा नहीं माना जी, कोई कंट्रोवर्सी क्वीन कहता है तो कोई ड्रामा क्वीन। लेकिन राखी की आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे बड़ा इमोशनल अत्याचार है। रोने धोने और गमगीन होने के बाद आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदिल दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी है। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। क्या हालात है मेरे, मेरा शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ। काजी निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाहनामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती, लेकिन खटपट इतनी बड़ी कि शादी ही नहीं कबूली, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है। राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। मोहब्बत में इमोशनल अत्याचार, स्वयंवर हुआ, शादी नहीं हुई। फिर ऐसी शादी जिसका पता नहीं चला। आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो। और अब निकाह कबूल नहीं। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत के पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई हेडलाइन या यूं कहें कि नई कंट्रोवर्सी बन जाती है, और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आपको तीन चेहरे नजर आएंगे। पहली है राखी सावंत,
दूसरे हैं बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी और तीसरे हैं वो शख्स जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो निकाह कराने वाले काजी हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। इन दावों के साथ ही साथ एक कथित निकाहनामा भी सामने आया। इस निकाहनामे पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस निकाहनामे में दूल्हे के नाम के आगे लिखा है आदिल खान और दुल्हन के नाम के आगे लिखा है राखी सावंत। गवाहों के नाम के आगे लिखा गया है कुसुम और आरिफ शेख। मेहर की रकम 51,986 लिखी गई और काजी का नाम बताया गया है काजी मोहम्मद नूर उल हुदा खान। कथित निकाहनामे में मुंबई के बायकला का नाम लिखा है, यानी निकाह बायकला में कराया गया है और तारीख लिखी है 29 मई 2022। वक्त है दोपहर के 1:30 का। गौर से देखेंगे तो इस कथित निकाहनामे पर आपको राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की फोटो भी नजर आएगी। निकाहनामे के इस फोटो के साथ राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के निकाह यानी शादी का दावा किया गया। राखी सावंत की धर्म और नाम बदलकर शादी की खबर आई तो सब चौंक गए। निकाहनामे में कहा गया कि 29 मई 2022 को ही निकाह हो गया था, तो सवाल था कि आखिरकार अब तक ये खबर और तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन ने आदिल दुर्रानी से संपर्क किया तो दुर्रानी ने निकाह की बात को इनकार कर दिया। दूसरी तरफ राखी सावंत ने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ अस्पताल में है और वो जल्द मीडिया के सामने आएंगी। यानी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया और फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर फातिमा यानी राखी के इस कथित निकाह का सच क्या है। राखी के निकाह के दावे वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ और बातें असामान्य नजर आएंगी। आमतौर पर इस्लामिक निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था। निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कथित काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं तो सामान्य नजर नहीं आता। एक खबर ये भी है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ये धर्म परिवर्तन और निकाह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। ऐसा ही था वो इमोशनल अत्याचार जिससे राखी दो चार हो रही थी। पहले निकाह का एक्शन पैक ड्रामा, फिर निकाह नामे की तस्वीर, काजी थराजी, दूल्हा नहीं माना जी, कोई कंट्रोवर्सी क्वीन कहता है तो कोई ड्रामा क्वीन। लेकिन राखी की आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे बड़ा इमोशनल अत्याचार है। रोने धोने और गमगीन होने के बाद आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदिल दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी है। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। क्या हालात है मेरे, मेरा शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ। काजी निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा।
इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाहनामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती, लेकिन खटपट इतनी बड़ी कि शादी नहीं कबूली। ये तो कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है। राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। मोहब्बत में इमोशनल अत्याचार, स्वयंवर हुआ, शादी नहीं हुई। फिर ऐसी शादी जिसका पता नहीं चला। आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो। और अब निकाह कबूल नहीं। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई हेडलाइन या यूं कहें कि नई कंट्रोवर्सी बन जाती है। और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आपको तीन चेहरे नजर आएंगे। पहली है राखी सावंत, दूसरे है बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी और तीसरे है वो शख्स जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो निकाह कराने वाले काजी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। इन दावों के साथ ही साथ एक कथित निकाहनामा भी सामने आया। इस निकाहनामे पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस निकाहनामे में दूल्हे के नाम के आगे लिखा है आदिल खान और दुल्हन के नाम के आगे लिखा है राखी सावंत। गवाहों के नाम के आगे लिखा गया है कुसुम और आरिफ शेख। मेहर की रकम 51,986 लिखी गई और काजी का नाम बताया गया है काजी मोहम्मद नूर उल हुदा खान। कथित निकाहनामे में मुंबई के बायकला का नाम लिखा है, यानी निकाह बायकला में कराया गया है और तारीख लिखी है 29 मई 2022। वक्त है दोपहर के 1:30 का। गौर से देखेंगे तो इस कथित निकाहनामे पर आपको राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की फोटो भी नजर आएगी। निकाहनामे के इस फोटो के साथ राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के निकाह यानी शादी का दावा किया गया। राखी सावंत की धर्म और नाम बदलकर शादी की खबर आई तो सब चौंक गए। निकाहनामे में कहा गया कि 29 मई 2022 को ही निकाह हो गया था, तो सवाल था कि आखिरकार अब तक ये खबर और तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन ने आदिल दुर्रानी से संपर्क किया तो दुर्रानी ने निकाह की बात को इनकार कर दिया। दूसरी तरफ राखी सावंत ने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ अस्पताल में है और वो जल्द मीडिया के सामने आएंगी। यानी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया और फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर फातिमा यानी राखी के इस कथित निकाह का सच क्या है। राखी के निकाह के दावे वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ और बातें असामान्य नजर आएंगी। आमतौर पर इस्लामिक निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था। निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कथित काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं तो सामान्य नजर नहीं आता। एक खबर ये भी है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ये धर्म परिवर्तन और निकाह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। ऐसा ही था वो इमोशनल अत्याचार जिससे राखी दो चार हो रही थी। पहले निकाह का एक्शन पैक ड्रामा, फिर निकाह नामे की तस्वीर,
काजी थराजी, दूल्हा नहीं माना जी। कोई कंट्रोवर्सी क्वीन कहता है तो कोई ड्रामा क्वीन, लेकिन राखी की आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे बड़ा इमोशनल अत्याचार है। रोने धोने और गमगीन होने के बाद आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदित्य दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी है। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। क्या हालात है मेरे, मेरा शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ। काजी, निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाहनामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती, लेकिन खटपट इतनी बड़ी कि शादी नहीं कबूली, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है। राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। मोहब्बत में इमोशनल अत्याचार, स्वयंवर हुआ, शादी नहीं हुई। फिर ऐसी शादी जिसका पता नहीं चला। आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो। और अब निकाह कबूल नहीं। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई हेडलाइन या यूं कहें कि नई कंट्रोवर्सी बन जाती है। और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आपको तीन चेहरे नजर आएंगे। पहली है राखी सावंत, दूसरे है बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी और तीसरे है वो शख्स जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो निकाह कराने वाले काजी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। इन दावों के साथ ही साथ एक कथित निकाहनामा भी सामने आया। इस निकाहनामे पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस निकाहनामे में दूल्हे के नाम के आगे लिखा है आदिल खान और दुल्हन के नाम के आगे लिखा है राखी सावंत। गवाहों के नाम के आगे लिखा गया है कुसुम और आरिफ शेख। मेहर की रकम 51,986 लिखी गई और काजी का नाम बताया गया है काजी मोहम्मद नूर उल हुदा खान। कथित निकाहनामे में मुंबई के बायकला का नाम लिखा है, यानी निकाह बायकला में कराया गया है और तारीख लिखी है 29 मई 2022। वक्त है दोपहर के 1:30 का। गौर से देखेंगे तो इस कथित निकाहनामे पर आपको राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की फोटो भी नजर आएगी।
निकाह नामे के इस फोटो के साथ राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के निकाह यानी शादी का दावा किया गया। राखी सावंत की धर्म और नाम बदलकर शादी की खबर आई तो सब चौंक गए। निकाह नामे में कहा गया कि 29 मई 2022 को ही निकाह हो गया था, तो सवाल था कि आखिरकार अब तक ये खबर और तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन ने आदिल दुर्रानी से संपर्क किया तो दुर्रानी ने निकाह की बात को इनकार कर दिया। दूसरी तरफ राखी सावंत ने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ अस्पताल में है और वो जल्द मीडिया के सामने आएंगी। यानी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया और फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर फातिमा यानी राखी के इस कथित निकाह का सच क्या है। राखी के निकाह के दावे वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ और बातें असामान्य नजर आएंगी। आमतौर पर इस्लामिक निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था। निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कथित काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं, तो सामान्य नजर नहीं आता। एक खबर ये भी है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ये धन परिवर्तन और निकाह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। ऐसा ही था वो इमोशनल अत्याचार जिससे राखी दो चार हो रही थी। पहले निकाह का एक्शन पैक ड्रामा, फिर निकाह नामे की तस्वीर, काजी थराजी, दूल्हा नहीं माना जी, कोई कंट्रोवर्सी क्वीन कहता है तो कोई ड्रामा क्वीन। लेकिन राखी की आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे बड़ा इमोशनल अत्याचार है। रोने धोने और गमगीन होने के बाद आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदिल दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी है। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। क्या हालात है मेरे, मेरा शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ। काजी निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाहनामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती, लेकिन खटपट इतनी बड़ी कि शादी नहीं कबूली, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है। राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। मोहब्बत में इमोशनल अत्याचार, स्वयंवर हुआ, शादी नहीं हुई। फिर ऐसी शादी जिसका पता नहीं चला। आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो।
और अब निकाह कबूल नहीं। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई हेडलाइन या यूं कहें कि नई कंट्रोवर्सी बन जाती है, और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आपको 3 चेहरे नजर आएंगे। पहली है राखी सावंत, दूसरे है बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी, और तीसरे है वो शख्स जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो निकाह कराने वाले काजी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। इन दावों के साथ ही साथ एक कथित निकाहनामा भी सामने आया। इस निकाहनामे पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस निकाहनामे में दूल्हे के नाम के आगे लिखा है आदिल खान और दुल्हन के नाम के आगे लिखा है राखी सावंत। गवाहों के नाम के आगे लिखा गया है कुसुम और आरिफ शेख। मेहर की रकम 51,986 लिखी गई और काजी का नाम बताया गया है काजी मोहम्मद नूर उल हुदा खान। कथित निकाहनामे में मुंबई के बायकला का नाम लिखा है, यानी निकाह बायकला में कराया गया है, और तारीख लिखी है 29 मई 2022। वक्त है दोपहर के 1:30 का। गौर से देखेंगे तो इस कथित निकाहनामे पर आपको राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की फोटो भी नजर आएगी। निकाहनामे के इस फोटो के साथ राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के निकाह यानी शादी का दावा किया गया। राखी सावंत की धर्म और नाम बदलकर शादी की खबर आई तो सब चौंक गए। निकाहनामे में कहा गया कि 29 मई 2022 को ही निकाह हो गया था, तो सवाल था कि आखिरकार अब तक ये खबर और तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन ने आदिल दुर्रानी से संपर्क किया तो दुर्रानी ने निकाह की बात को इनकार कर दिया। दूसरी तरफ राखी सावंत ने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ अस्पताल में है और वो जल्द मीडिया के सामने आएंगी। यानी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया और फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर फातिमा यानी राखी के इस कथित निकाह का सच क्या है। राखी के निकाह के दावे वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ और बातें असामान्य नजर आएंगी। आमतौर पर इस्लामिक निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था। निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कथित काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं तो सामान्य नजर नहीं आता। एक खबर ये भी है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ये धर्म परिवर्तन और निकाह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। ऐसा ही था वो इमोशनल अत्याचार जिससे राखी दो चार हो रही थी। पहले निकाह का एक्शन पैक ड्रामा, फिर निकाह नामे की तस्वीर, काजी थराजी, दूल्हा नहीं माना जी, कोई कंट्रोवर्सी क्वीन कहता है तो कोई ड्रामा क्वीन। लेकिन राखी की आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे बड़ा इमोशनल अत्याचार है। रोने धोने और गमगीन होने के बाद आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदिल दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी है। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। क्या हालात है मेरे, मेरा शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ।
काजी निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाहनामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती, लेकिन खटपट इतनी बड़ी कि शादी नहीं कबूली। ये तो कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है। राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। मोहब्बत में इमोशनल अत्याचार, स्वयंवर हुआ, शादी नहीं हुई। फिर ऐसी शादी जिसका पता नहीं चला। आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो। और अब निकाह कबूल नहीं। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत के पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई हेडलाइन या यूं कहें कि नई कंट्रोवर्सी बन जाती है, और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आपको तीन चेहरे नजर आएंगे। पहली है राखी सावंत, दूसरे है बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी, और तीसरे है वो शख्स जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो निकाह कराने वाले काजी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। इन दावों के साथ ही साथ एक कथित निकाहनामा भी सामने आया। इस निकाहनामे पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस निकाहनामे में दूल्हे के नाम के आगे लिखा है आदिल खान और दुल्हन के नाम के आगे लिखा है राखी सावंत। गवाहों के नाम के आगे लिखा गया है कुसुम और आरिफ शेख। मेहर की रकम 51,986 लिखी गई और काजी का नाम बताया गया है काजी मोहम्मद नूर उल हुदा खान। कथित निकाहनामे में मुंबई के बायकला का नाम लिखा है, यानी निकाह बायकला में कराया गया है, और तारीख लिखी है 29 मई 2022। वक्त है दोपहर के 1:30 का। गौर से देखेंगे तो इस कथित निकाहनामे पर आपको राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की फोटो भी नजर आएगी। निकाहनामे के इस फोटो के साथ राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के निकाह यानी शादी का दावा किया गया। राखी सावंत की धर्म और नाम बदलकर शादी की खबर आई तो सब चौंक गए। निकाहनामे में कहा गया कि 29 मई 2022 को ही निकाह हो गया था, तो सवाल था कि आखिरकार अब तक ये खबर और तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन ने आदिल दुर्रानी से संपर्क किया तो दुर्रानी ने निकाह की बात को इनकार कर दिया। दूसरी तरफ राखी सावंत ने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ अस्पताल में है और वो जल्द मीडिया के सामने आएंगी। यानी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया और फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर फातिमा यानी राखी के इस कथित निकाह का सच क्या है। राखी के निकाह के दावे वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ और बातें असामान्य नजर आएंगी। आमतौर पर इस्लामिक निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था। निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कथित काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं, तो सामान्य नजर नहीं आता। एक खबर ये भी है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ये धर्म परिवर्तन और निकाह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शर्मा के साथ टीम
न्यूज नेशन। ऐसा ही था वो इमोशनल अत्याचार जिससे राखी दो चार हो रही थी। पहले निकाह का एक्शन पैक ड्रामा, फिर निकाह नामे की तस्वीर, काजी था राजी, दूल्हा नहीं माना जी, कोई कंट्रोवर्सी क्वीन कहता है तो कोई ड्रामा क्वीन। लेकिन राखी की आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे बड़ा इमोशनल अत्याचार है। रोने धोने और गमगीन होने के बाद आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदित्य दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी है। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। क्या हालात है मेरे, मेरा शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ। काजी निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाहनामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती, लेकिन खटपट इतनी बड़ी कि शादी नहीं कबूली, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है, राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। मोहब्बत में इमोशनल अत्याचार, स्वयंवर हुआ, शादी नहीं हुई। फिर ऐसी शादी जिसका पता नहीं चला। आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो। और अब निकाह कबूल नहीं। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई हेडलाइन या यूं कहें कि नई कंट्रोवर्सी बन जाती है, और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आपको तीन चेहरे नजर आएंगे। पहली है राखी सावंत, दूसरे है बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी, और तीसरे है वो शख्स जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो निकाह कराने वाले काजी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। इन दावों के साथ ही साथ एक कथित निकाहनामा भी सामने आया। इस निकाहनामे पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस निकाहनामे में दूल्हे के नाम के आगे लिखा है आदिल खान और दुल्हन के नाम के आगे लिखा है राखी सावंत। गवाहों के नाम के आगे लिखा गया है कुसुम और आरिफ शेख। मेहर की रकम 51,986 लिखी गई
और काजी का नाम बताया गया है काजी मोहम्मद नूर उल हुदा खान। कथित निकाह नामे में मुंबई के बायकला का नाम लिखा है, यानी निकाह बायकला में कराया गया है और तारीख लिखी है 29 मई 2022। वक्त है दोपहर के 1:30 का। गौर से देखेंगे तो इस कथित निकाहनामे पर आपको राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की फोटो भी नजर आएगी। निकाहनामे के इस फोटो के साथ राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के निकाह यानी शादी का दावा किया गया। राखी सावंत की धर्म और नाम बदलकर शादी की खबर आई तो सब चौंक गए। निकाहनामे में कहा गया कि 29 मई 2022 को ही निकाह हो गया था, तो सवाल था कि आखिरकार अब तक ये खबर और तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन ने आदिल दुर्रानी से संपर्क किया तो दुर्रानी ने निकाह की बात को इनकार कर दिया। दूसरी तरफ राखी सावंत ने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ अस्पताल में है और वो जल्द मीडिया के सामने आएंगी। यानी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया और फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर फातिमा यानी राखी के इस कथित निकाह का सच क्या है। राखी के निकाह के दावे वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ और बातें असामान्य नजर आएंगी। आमतौर पर इस्लामिक निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था। निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कथित काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं तो सामान्य नजर नहीं आता। एक खबर ये भी है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ये धन परिवर्तन और निकाह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। ऐसा ही था वो इमोशनल अत्याचार जिससे राखी दो चार हो रही थी। पहले निकाह का एक्शन पैक ड्रामा, फिर निकाह नामे की तस्वीर, काजी थराजी, दूल्हा नहीं माना जी, कोई कंट्रोवर्सी क्वीन कहता है तो कोई ड्रामा क्वीन। लेकिन राखी की आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे बड़ा इमोशनल अत्याचार है। रोने धोने और गमगीन होने के बाद आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदिल दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी है। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। क्या हालात है मेरे, मेरा शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ। काजी निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाहनामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती, लेकिन खटपट इतनी बड़ी कि शादी नहीं कबूली, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है। राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन।
मोहब्बत में इमोशनल अत्याचार। स्वयंवर हुआ, शादी नहीं हुई। फिर ऐसी शादी जिसका पता नहीं चला। आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ। लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो। और अब निकाह कबूल नहीं। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई हेडलाइन या यूं कहे कि नई कंट्रोवर्सी बन जाती है। और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आपको 3 चेहरे नजर आएंगे। पहली है राखी सावंत, दूसरे है बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी और तीसरे है वो शख्स जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो निकाह कराने वाले काजी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। इन दावों के साथ ही साथ एक कथित निकाहनामा भी सामने आया। इस निकाहनामे पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस निकाहनामे में दूल्हे के नाम के आगे लिखा है आदिल खान और दुल्हन के नाम के आगे लिखा है राखी सावंत। गवाहों के नाम के आगे लिखा गया है कुसुम और आरिफ शेख। मेहर की रकम 51,986 लिखी गई और काजी का नाम बताया गया है काजी मोहम्मद नूर उल हुदा खान। कथित निकाहनामे में मुंबई के बायकला का नाम लिखा है, यानी निकाह बायकला में कराया गया है और तारीख लिखी है 29 मई 2022। वक्त है दोपहर के 1:30 का। गौर से देखेंगे तो इस कथित निकाहनामे पर आपको राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की फोटो भी नजर आएगी। निकाहनामे के इस फोटो के साथ राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के निकाह यानी शादी का दावा किया गया। राखी सावंत की धर्म और नाम बदलकर शादी की खबर आई तो सब चौंक गए। निकाहनामे में कहा गया कि 29 मई 2022 को ही निकाह हो गया था, तो सवाल था कि आखिरकार अब तक ये खबर और तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन ने आदिल दुर्रानी से संपर्क किया तो दुर्रानी ने निकाह की बात को इनकार कर दिया। दूसरी तरफ राखी सावंत ने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ अस्पताल में है और वो जल्द मीडिया के सामने आएंगी। यानी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया और फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर फातिमा यानी राखी के इस कथित निकाह का सच क्या है। राखी के निकाह के दावे वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ और बातें असामान्य नजर आएंगी। आमतौर पर इस्लामिक निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था। निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कथित काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं तो सामान्य नजर नहीं आता। एक खबर ये भी है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ये धर्म परिवर्तन और निकाह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। ऐसा ही था वो इमोशनल अत्याचार जिससे राखी दो चार हो रही थी। पहले निकाह का एक्शन पैक ड्रामा, फिर निकाह नामे की तस्वीर, काजी थराजी, दूल्हा नहीं माना जी, कोई कंट्रोवर्सी क्वीन कहता है तो कोई ड्रामा क्वीन। लेकिन राखी की आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे बड़ा इमोशनल अत्याचार है। रोने धोने और गमगीन होने के बाद आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदिल दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी है। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। क्या हालात है मेरे, मेरा
शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ। काजी, निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाहनामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती, लेकिन खटपट इतनी बड़ी कि शादी नहीं कबूली, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है, राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। मोहब्बत में इमोशनल अत्याचार, स्वयंवर हुआ, शादी नहीं हुई, फिर ऐसी शादी जिसका पता नहीं चला। आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो, और अब निकाह कबूल नहीं। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत के पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई हेडलाइन या यूं कहे कि नई कंट्रोवर्सी बन जाती है, और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आपको तीन चेहरे नजर आएंगे। पहली है राखी सावंत, दूसरे है बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी, और तीसरे है वो शख्स जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो निकाह कराने वाले काजी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। इन दावों के साथ ही साथ एक कथित निकाहनामा भी सामने आया। इस निकाहनामे पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस निकाहनामे में दूल्हे के नाम के आगे लिखा है आदिल खान और दुल्हन के नाम के आगे लिखा है राखी सावंत। गवाहों के नाम के आगे लिखा गया है कुसुम और आरिफ शेख। मेहर की रकम 51,986 लिखी गई और काजी का नाम बताया गया है काजी मोहम्मद नूर उल हुदा खान। कथित निकाहनामे में मुंबई के बायकला का नाम लिखा है, यानी निकाह बायकला में कराया गया है, और तारीख लिखी है 29 मई 2022। वक्त है दोपहर के 1:30 का। गौर से देखेंगे तो इस कथित निकाहनामे पर आपको राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की फोटो भी नजर आएगी। निकाहनामे के इस फोटो के साथ राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के निकाह यानी शादी का दावा किया गया। राखी सावंत की धर्म और नाम बदलकर शादी की खबर आई तो सब चौंक गए। निकाहनामे में कहा गया कि 29 मई 2022 को ही निकाह हो गया था, तो सवाल था कि आखिरकार अब तक ये खबर और तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन ने आदिल दुर्रानी से संपर्क किया तो दुर्रानी ने निकाह की बात को इनकार कर दिया। दूसरी तरफ राखी सावंत ने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ अस्पताल में है और वो जल्द मीडिया के सामने आएंगी, यानी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। और फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर फातिमा यानी राखी के इस कथित निकाह का सच क्या है। राखी के निकाह के दावे वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ और बातें असामान्य नजर आएंगी। आमतौर पर इस्लामिक निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था।
निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कथित काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं, तो सामान्य नजर नहीं आता। एक खबर ये भी है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ये धन परिवर्तन और निकाह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। ऐसा ही था वो इमोशनल अत्याचार जिससे राखी दो चार हो रही थी। पहले निकाह का एक्शन पैक ड्रामा, फिर निकाह नामे की तस्वीर, काजी थराजी, दूल्हा नहीं माना जी, कोई कंट्रोवर्सी क्वीन कहता है तो कोई ड्रामा क्वीन। लेकिन राखी की आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे बड़ा इमोशनल अत्याचार है। रोने धोने और गमगीन होने के बाद आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदिल दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी है। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। क्या हालात है मेरे, मेरा शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ। काजी निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाहनामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती, लेकिन खटपट इतनी बड़ी कि शादी नहीं कबूली, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है, राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। मोहब्बत में इमोशनल अत्याचार, स्वयंवर हुआ, शादी नहीं हुई। फिर ऐसी शादी जिसका पता नहीं चला। आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो। और अब निकाह कबूल नहीं। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई हेडलाइन या यूं कहे कि नई कंट्रोवर्सी बन जाती है, और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आपको तीन चेहरे नजर आएंगे। पहली है राखी सावंत, दूसरे है बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी, और तीसरे है वो शख्स जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो निकाह कराने वाले काजी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया।
इन दावों के साथ ही साथ एक कथित निकाहनामा भी सामने आया। इस निकाहनामे पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस निकाहनामे में दूल्हे के नाम के आगे लिखा है आदिल खान और दुल्हन के नाम के आगे लिखा है राखी सावंत। गवाहों के नाम के आगे लिखा गया है कुसुम और आरिफ शेख। मेहर की रकम 51,986 लिखी गई और काजी का नाम बताया गया है काजी मोहम्मद नूर उल हुदा खान। कथित निकाहनामे में मुंबई के बायकला का नाम लिखा है, यानी निकाह बायकला में कराया गया है और तारीख लिखी है 29 मई 2022। वक्त है दोपहर के 1:30 का। गौर से देखेंगे तो इस कथित निकाहनामे पर आपको राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की फोटो भी नजर आएगी। निकाहनामे के इस फोटो के साथ राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के निकाह यानी शादी का दावा किया गया। राखी सावंत की धर्म और नाम बदलकर शादी की खबर आई तो सब चौंक गए। निकाहनामे में कहा गया कि 29 मई 2022 को ही निकाह हो गया था, तो सवाल था कि आखिरकार अब तक ये खबर और तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन ने आदिल दुर्रानी से संपर्क किया तो दुर्रानी ने निकाह की बात को इनकार कर दिया। दूसरी तरफ राखी सावंत ने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ अस्पताल में है और वो जल्द मीडिया के सामने आएंगी। यानी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया और फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर फातिमा यानी राखी के इस कथित निकाह का सच क्या है। राखी के निकाह के दावे वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ और बातें असामान्य नजर आएंगी। आमतौर पर इस्लामिक निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था। निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कथित काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं तो सामान्य नजर नहीं आता। एक खबर ये भी है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ये धन परिवर्तन और निकाह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। ऐसा ही था वो इमोशनल अत्याचार जिससे राखी दो चार हो रही थी। पहले निकाह का एक्शन पैक ड्रामा, फिर निकाह नामे की तस्वीर, काजी थराजी दूल्हा नहीं माना जी, कोई कंट्रोवर्सी क्वीन कहता है तो कोई ड्रामा क्वीन। लेकिन राखी की आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे बड़ा इमोशनल अत्याचार है। रोने धोने और गमगीन होने के बाद आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदिल दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। क्या हालात है मेरे, मेरा शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ। काजी निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाहनामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती है, लेकिन खटपट इतनी बढ़ी कि शादी नहीं कबूली, ये तो कुछ ज्यादा हो गया।
लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है। राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। मोहब्बत में इमोशनल अत्याचार, स्वयंवर हुआ, शादी नहीं हुई, फिर ऐसी शादी जिसका पता नहीं चला। आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो। और अब निकाह कबूल नहीं। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत के पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई हेडलाइन या यूं कहे कि नई कंट्रोवर्सी बन जाती है। और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आपको 3 चेहरे नजर आएंगे। पहली है राखी सावंत, दूसरे है बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी और तीसरे है वो शख्स जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो निकाह कराने वाले काजी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। इन दावों के साथ ही साथ एक कथित निकाहनामा भी सामने आया। इस निकाहनामे पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस निकाहनामे में दूल्हे के नाम के आगे लिखा है आदिल खान और दुल्हन के नाम के आगे लिखा है राखी सावंत। गवाहों के नाम के आगे लिखा गया है कुसुम और आरिफ शेख। मेहर की रकम 51,986 लिखी गई और काजी का नाम बताया गया है काजी मोहम्मद नूर उल हुदा खान। कथित निकाहनामे में मुंबई के बायकला का नाम लिखा है, यानी निकाह बायकला में कराया गया है और तारीख लिखी है 29 मई 2022। वक्त है दोपहर के 1:30 का। गौर से देखेंगे तो इस कथित निकाहनामे पर आपको राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की फोटो भी नजर आएगी। निकाहनामे के इस फोटो के साथ राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के निकाह यानी शादी का दावा किया गया। राखी सावंत की धर्म और नाम बदलकर शादी की खबर आई तो सब चौंक गए। निकाहनामे में कहा गया कि 29 मई 2022 को ही निकाह हो गया था, तो सवाल था कि आखिरकार अब तक ये खबर और तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन ने आदिल दुर्रानी से संपर्क किया तो दुर्रानी ने निकाह की बात को इनकार कर दिया। दूसरी तरफ राखी सावंत ने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ अस्पताल में है और वो जल्द मीडिया के सामने आएंगी। यानी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया और फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर फातिमा यानी राखी के इस कथित निकाह का सच क्या है। राखी के निकाह के दावे वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ और बातें असामान्य नजर आएंगी। आमतौर पर इस्लामिक निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था। निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कथित काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं तो सामान्य नजर नहीं आता। एक खबर ये भी है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ये धर्म परिवर्तन और निकाह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। ऐसा ही था वो इमोशनल अत्याचार जिससे राखी दो चार हो रही थी। पहले निकाह का एक्शन पैक ड्रामा, फिर निकाह नामे की तस्वीर, काजी थराजी, दूल्हा नहीं माना जी, कोई कंट्रोवर्सी क्वीन कहता है तो कोई ड्रामा क्वीन। लेकिन राखी की आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे बड़ा इमोशनल अत्याचार है। रोने धोने और गमगीन होने के बाद आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल।
इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदिल दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी है। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। क्या हालात है मेरे, मेरा शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ। काजी निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाहनामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही थी। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती है, लेकिन खटपट इतनी बड़ी कि शादी नहीं कबूली, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है, राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। मोहब्बत में इमोशनल अत्याचार, स्वयंवर हुआ शादी नहीं हुई, फिर ऐसी शादी जिसका पता नहीं चला। आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो, और अब निकाह कबूल नहीं। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत के पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई हेडलाइन या यूं कहे कि नई कंट्रोवर्सी बन जाती है, और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आपको तीन चेहरे नजर आएंगे। पहली है राखी सावंत, दूसरे है बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी, और तीसरे है वो शख्स जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो निकाह कराने वाले काजी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। इन दावों के साथ ही साथ एक कथित निकाहनामा भी सामने आया। इस निकाहनामे पर भी जरा गौर कीजिएगा। इस निकाहनामे में दूल्हे के नाम के आगे लिखा है आदिल खान और दुल्हन के नाम के आगे लिखा है राखी सावंत। गवाहों के नाम के आगे लिखा गया है कुसुम और आरिफ शेख। मेहर की रकम 51,986 लिखी गई और काजी का नाम बताया गया है काजी मोहम्मद नूर उल हुदा खान। कथित निकाहनामे में मुंबई के बायकला का नाम लिखा है, यानी निकाह बायकला में कराया गया है, और तारीख लिखी है 29 मई 2022। वक्त है दोपहर के 1:30 का। गौर से देखेंगे तो इस कथित निकाहनामे पर आपको राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की फोटो भी नजर आएगी। निकाहनामे के इस फोटो के साथ राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के निकाह यानी शादी का दावा किया गया। राखी सावंत की धर्म और नाम बदलकर शादी की खबर आई तो सब चौंक गए। निकाहनामे में कहा गया कि 29 मई 2022 को ही निकाह हो गया था, तो सवाल था कि आखिरकार अब तक ये खबर और तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन ने आदिल दुर्रानी से संपर्क किया तो दुर्रानी ने निकाह की बात को इनकार कर दिया।
दूसरी तरफ राखी सावंत ने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ अस्पताल में है और वो जल्द मीडिया के सामने आएंगी। यानी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया और फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर फातिमा यानी राखी के इस कथित निकाह का सच क्या है। राखी के निकाह के दावे वाले इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ और बातें असामान्य नजर आएंगी। आमतौर पर इस्लामिक निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था। निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कथित काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं, तो सामान्य नजर नहीं आता। एक खबर ये भी है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ये धन परिवर्तन और निकाह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। ऐसा ही था वो इमोशनल अत्याचार जिससे राखी दो चार हो रही थी। पहले निकाह का एक्शन पैक ड्रामा, फिर निकाह नामे की तस्वीर, काजी थराजी दूल्हा नहीं माना जी, कोई कंट्रोवर्सी क्वीन कहता है तो कोई ड्रामा क्वीन। लेकिन राखी की आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे बड़ा इमोशनल अत्याचार है। रोने धोने और गमगीन होने के बाद आखिरकार इस तस्वीर से हुई राखी की दुआ कबूल। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आखिरकार आदिल दुर्रानी ने कबूल कर लिया कि राखी सावंत अब मिसेज दुर्रानी बन चुकी। इधर आदिल ने राखी को अपनी पपूड़ी कहा तो उधर राखी के दिल के जज्बात भी बाहर आ गए। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। यह हालात है मेरे, मेरा शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ। काजी निकाहनामे और इस ड्रामे का आगाज हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो से। दावा किया गया राखी और आदिल की शादी 29 मई 2022 को हुई थी, जिसे पहले लोगों से छुपाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही राखी ने अपने निकाह के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर कभी इजहार तो कभी इनकार का दौर चलने लगा। इस निकाह के साथ कुछ दावे भी किए गए। पहला दावा कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा दावा कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम फातिमा अपना लिया। वीडियो आया, निकाहनामा दिखा, लेकिन आदिल से हामी नहीं मिल रही थी और इसी वजह से राखी सुबह सुबह रो रही। कहते हैं कि पति पत्नी में खटपट चलती रहती है, लेकिन खटपट इतनी बड़ी कि शादी ही नहीं कबूली, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई है, राखी की दुआ और आदिल का निकाह दोनों दुनिया के सामने कबूल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। मोहब्बत